के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानाचार्य जी, रामकृष्ण जी, सभी आचार्य बहने, आचार्य बंधु, हमारे देश के नौनिहाल भैया बहने और उनके आए हुए अभिभावकगण, हम एक सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं। हमने से कोई ऐसा है जो प्रथम नहीं आना चाहता था? अपनी जगह से जरा हाथ उठाइए। हमने से कोई ऐसा था जो ये चाहता हो कि नहीं, मुझे तो प्रथम नहीं आना? सब लोग चाहते थे ना, पर सब लोग नहीं आ पाए, तो क्या होगा? संकल्प कभी मरते नहीं है, रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं और हमें भी आगे बढ़ाते हैं। आपको अगला वर्ष मिला है अपने इस संकल्प और सपने को पूरा करने का, है ना? एक वर्ष, करोना रहे तो भी, करोना ना रहे तो भी, आपको अपनी अगली कक्षा प्रथम स्थान लाकर पाना है। ये संकल्प आपका बना रहेगा बिल्कुल, लेकिन ढीला पड़ जाएगा। जो प्रथम लाना चाहते हैं, थोड़े लोग हैं जो द्वितीय ही रहना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो भी प्रथम आने का प्रयास करें, ठीक है? अब आपके इस काम में ये विद्यालय क्या मदद कर सकता है, सोचिए और लिख कर अपने प्रधानाचार्य को दे दीजिए कि मैं प्रथम आना चाहता हूँ, लेकिन सर आपसे ये अपेक्षा है, आचार्य जी आपसे ये अपेक्षा है। करेंगे क्यों? हमारे से संबंधित के बच्चे करेंगे। एक काम बताता हूँ जो आप जरूर लिखिएगा अपने अपने प्रधानाचार्यों, आचार्य जी को कष्ट मत दीजिएगा। आप उनसे कहिए कि अंग्रेजी की कक्षा, गणित की कक्षा या ऐसा कुछ भी में जो मुझे पढ़ाया गया है आज समझ में नहीं आया, कृपया मुझे और समझाने की व्यवस्था की जाए। आप लिखिए तो क्या करेंगे, आपके लिए अलग से आचार्य जी को कुर्सी में लेकर बैठाएंगे, वहाँ आप जाइए। आजकल कहते हैं डाउट क्लियर करना, जो रह गया आप नहीं समझ पाए हैं उसे आप अकेले में जाके ऐसी वो आधे घंटे की व्यवस्था कर सकते हैं, अगर आपकी डिमांड होगी तो। चलेगा? करेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो संकोच छोड़ दीजिए, आप अपने आचार्य जी से कहिए कि आज आपने जो गणित पढ़ाई है आचार्य जी, मेरी समझ में नहीं आई। तब ये लगेगा कि आप जिज्ञासु हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप पर विशेष ध्यान आचार्य जी का जाएगा। आप ध्यान आकृष्ट करिए, ज्ञान और विद्या ये तपस्या मानती है, और अभी आपने प्रार्थना में तपस्या और त्याग की बात की, त्याग आलस्य का करना है और चार घंटे पांच घंटे तपस्या करनी है अपने घर में, जैसा सीजन हो वैसे साधन के साथ, पंखा कूलर एसी या हीटर, ये सब तपस्या ऐसे नहीं करनी है कि पत्थर पर बैठ के लंगोटी पहन के और तपस्या करनी है। आज जो काम दिया गया है आपको, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, मैं कभी नंबर एक का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन तमाम विद्यार्थियों के बीच में रहता हूँ। अगर आज आपको जो काम दिया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो आपने आज की ही डेट में क्लियर नहीं कर लिया, चलो कल देख लेंगे, अगला चैप्टर देख लेते हैं, इसे फिर छुट्टियों में देख लेंगे। आप मेरा कहना मानिए, आपका पूरा पहाड़ जैसा भविष्य अभी आपके सामने खड़ा है। मेरी इस बात को सुनिए, घूमिए कि अगर उसको उसी दिन आपने क्लियर नहीं कर लिया तो इस जीवन में अब वो चैप्टर आपके हाथ से गया। अब जो कुछ भी आज का हमारा कोर्स है, जो हमारे हिस्से में आज पढ़ाई आई है, अगर वो आप आज ही क्लियर कर देते हैं, लोग पूछते हैं कितनी देर पढ़ना चाहिए, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आज में अगर आपने अपना सारा काम पूरा कर लिया है तो वो आधे घंटे भी काफी है और आठ घंटे भी कम है।
समझ गए? आज की इंग्लिश, आज का मैथ, आज की हिंदी, आज का ज्योग्राफी, आज जो भी है, आज वाला अगर पूरा आधे घंटे में आपका क्लियर हो गया तो आधे घंटे ही पढ़िए। लेकिन जब तक वो पूरा क्लियर आज ही नहीं हो जाता है, डेट ना बदलने पाए, तो आप सबको तब तक पढ़ना है। इसका नाम आधुनिक युग में तपस्या। आप लोग माँ भगवती से, सरस्वती से जो प्रार्थना करते हैं उसका ये आशय समझ लीजिए। रोज पढ़िए, रोज का काम रोज निपटाइए, और आधा जब छमाही इम्तहान हो जाए उसके बाद कुछ पढ़ने को ना रहे आपके पास, जो रहे वो रिवाइज करने के लिए रहे। आप घर पर रिवाइज करिए, यहाँ रिवाइज करिए, लेकिन हाफ ईयरली के बाद आप लोग रिवाइज करेंगे जिससे परीक्षा में ठीक से लिख सकें। अगर आपने इसी एक सूत्र को पकड़ लिया तो आप अपने उद्देश्य को अवश्य पा जाएंगे, अन्यथा अपना आकलन कर लीजिए और अपने आप ही अपने को नंबर दे दीजिए। ये करेंगे सब लोग? मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि ये आप करेंगे। अंतिम बात, हमारा ये विद्यालय जो है वो जरा पारिवारिक भाव से चलता है। आप लोग तो इसके अंग हैं, आप भैया हैं, स्टूडेंट नहीं, ये बहने। क्योंकि जो परिवार के वातावरण में ज्ञान मिलता है वो पर्याप्त तो नहीं होता है, यहाँ चरित्र का भी एक शिक्षण होता है। आप कोई गलत काम अपने माँ बाप भैया बहन के सामने, बुआ के सामने, दीदी के सामने नहीं करते ना। ऐसे ही जब परिवार का भाव आ जाता है तो ज्ञान मार्कशीट उसमें मिले नंबर के साथ एक और चीज आपको अपने आप मिल जाती है, और वो है चरित्र। इसी के पद पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जुन्नू आज बहुत बड़े सितारे बनके चमक रहे हैं अपने देश के इतिहास में। आखिर अभी आप अपने चरित्र के बल पर, हम उस दौर के अपने बाप दादों को नहीं याद करते। शंकराचार्य जी के समय मेरे बाप दादे भी कोई रहे होंगे ना, कोई याद करता है क्या? विवेकानंद के समय भी हमारे पर बाबा के पिताजी रहे होंगे, लेकिन वो याद किए जाते हैं। ये धरती ऐसी है कि ऐसे रत्नों की मालिका, आप भी उस मालिका के एक अंग हैं, अंग होने वाले हैं। तो ज्ञान और चरित्र सीख लीजिए, आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, लेकिन एक दिन भी आपने गवाया या दोस्त फेसबुक और अन्य चीजों में, तो ये तो आपके जीवन भर मिलने वाले हैं। वो जुकर पर कहीं जाने वाला नहीं है, उसका बेटा आ जाएगा, इसको चलाता रहेगा। लेकिन आपको ये विद्या मंदिर की 2021-22 का सत्र आपके जीवन में नहीं आने वाला है, आपकी एज भी नहीं आने वाली है। इसका पूरा सदुपयोग करिए। इसी कामना के साथ आप सबको उज्जवल भविष्य की बधाई देता हूँ, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।